हरपुर बुधहट पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने रविवार को महिला प्रधान पर गोली चलाने वालों में से एक शातिर अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को कटाई टिकर के निकट बाग में से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान संजय यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी अनंतपुर थाना हरपुर बुधहट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 2 अवैध तमंचा, 2 खोखा, 1 फायरशुदा बुलेट, 10,130 रुपए नगद बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि 10 जुलाई को ग्राम रघुनाथपुर में ग्राम प्रधान दुर्गावती देवी के ऊपर हुए जानलेवा हमले का मुख्य अभियुक्त संजय उर्फ संजू यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी अनंतपुर थाना हरपुर बुधहट जनपद गोरखपुर, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, 11 जुलाई को पुलिस स्वाट एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने बताया कि 10 जुलाई को 2 मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों द्वारा ग्राम प्रधान रघुनाथपुर दुर्गावती देवी पत्नी रामपाल गुप्ता निवासी ग्राम रघुनाथपुर को उनके दरवाजे पर चढ़कर दौड़ाकर गोली मारी गई तथा उनके पुत्र मिथिलेश गुप्ता के ऊपर भी फायरिंग करते हुए अभियुक्तगढ़ हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए थे, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम को 10,000 का इनाम दिया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में हरपुर बुधहट थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव, सर्विलांस सेल प्रभारी राजेंद्र सिंह, एसओजी प्रभारी मनीष कुमार यादव, उप निरीक्षक उदय भान सिंह, हेड कांस्टेबल अरुण खरवार, राम इकबाल राव, कांस्टेबल दुर्गेश मिश्रा, कमलापति तिवारी, रणवीर सिंह, इंद्रेश वर्मा, रवि चौधरी, नमित मिश्रा, गणेश शंकर पांडे, आशीष यादव, उपेंद्र कुशवाहा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना हरपुर बुधहट से कल शाम में एक सूचना आई कि रघुनाथपुर ग्राम सभा की वर्तमान प्रधान दुर्गावती देवी को किसी ने गोली मार दी है। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, मजरूब को वहां से हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया गया, जहां उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया। वहाँ पर उनका उपचार डॉक्टर्स की सुपरविजन में चल रहा है। अभी तक उनकी स्थिति स्टेबल है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटनास्थल के निरीक्षण और वादी द्वारा बताए अनुसार गांव में प्रधानी को लेकर के पहले से रंजिश चल रही थी और गांव में परफॉर्मेंस ग्रांट का काफ़ी भारी मात्रा में पैसा भी आया था, 9 करोड़ के आसपास का, जिसको लेकर के कसीदगी बनी हुई थी। घटना के समय पर जो लोगों ने देखा तो ये जानकारी हुई कि एक संजय यादव नाम का जो पूर्व अपराधी है वो इस घटना में शामिल हो सकता है। घटनास्थल का निरीक्षण और वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इस अपराधी के लिए पुलिस की सभी टीम्स द्वारा कार्रवाई की गई। इस घटना का सफल अनावरण हुआ है और संजय यादव नाम का ये अपराधी अरेस्ट हुआ है। इसके द्वारा घटना कारित किया जाना कबूल लिया गया है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त अवैध असलह बरामद हुए हैं और साथ में जो मोटरसाइकिल, पल्सर मोटरसाइकिल जो यूज़ की गई है वो भी बरामद हुई है। इसके द्वारा इस घटना को कारित करने के लिए, उकसाने और प्रेरित करने के लिए पूर्व प्रधान को भी बताया गया है। घटना के समय पर इसके साथ 2 अन्य साथी राजू यादव व राकेश यादव भी मौजूद थे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस टीमें द्वारा दबिश दी जा रही है। जो मजरूब हैं वो अभी खतरे से बाहर हैं। इस घटना में जो अन्य साक्ष्य पुलिस के सामने आए उसके आधार पर, तहरीर के आधार पर और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी और जल्द ही इसमें सख्त कार्रवाई करते हुए अपराधियों को इसमें सजा दिलाई जाएगी। ये इस थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, उनकी अभी डिटेल निकाली जा रही है।